नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को बनाने का एक यही मकसद है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता रहा है, और हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड में ज़मीन की कमी नहीं है, फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से पलायन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग चाहे तो अपने घर पे, अपनी ज़मीन पे भी हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो उत्तराखंड के प्रोला ब्लॉक से बनाया गया है, और यहाँ पे इस तरह के तीन सेब के बगीचे तैयार किए गए हैं, जो ये स्पेशल इटालियन वेराइटी है सेब की, और जो कि 2-3 से 4 सालों में फल को दे देती है। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे फल इन्होंने तीसरे या चौथे सालों में दिए हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास कुछ ज़मीन है तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, और थोड़ा बहुत मेहनत करने के बावजूद आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये वीडियो उत्तराखंड का है, लेकिन जो ये बाग तैयार किया गया है, ये प्लांट तैयार किया गया है, ये हिमाचल के किसी सज्जन के द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लगभग 6 से 7 एकड़ में ये प्लांट तैयार किया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो है दोस्तों, देखिए फूल लगे हैं इनमें, और लेकिन अच्छी बात यह कि बहुत जल्दी ये सेब का वैरायटी फल दे देता है, जिससे कि किसान काफ़ी जल्दी अपने खर्च किए गए रकम को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और मेरा यही कहना है कि सचमुच हम लोग अपने घर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और विशेषकर एक बात और बता दूं आपको कि इसके लिए मौसम की भी उतना ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये चीड़ के पेड़ हैं, उनके चीड़ के जंगलों के बीच में ये बगीचा तैयार किया गया है। तो समुद्र तट से लगभग 1,200 मीटर के ऊंचाई पर यह बगीचा बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घरों पे, अपने जगह पे, अपने गांव में इस तरह के प्लान तैयार कर सकते हैं, और पलायन को रोक सकते हैं, और अपने घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।